हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का श्रेया डिज़ाइन में बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल पट्टी से कान्हा जी के लिए समर ड्रेस, जो कि हम धोते वाली लुक में बनाएंगे। तो अगर आपको धोती बनानी नहीं आती है तो आप सिंपल पट्टी से बहुत ही ब्यूटीफुल सी धोती बना सकते हैं कान्हा जी के लिए समर में। और इसे पहनाना भी आप देखिए कितना आसान है। जितनी आपको नीड हो आप पट्टी को पीछे उतना कर दीजिए इस तरीके से। और ये देखिए हमारी इसमें नेपी भी बन जाएगी। इसको हम अंदर तक इस तरीके से कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसको कान्हा जी को इस तरीके से पहनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके की ड्रेस कान्हा जी के लिए बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये देखिए इसे पहनाना कितना आसान है। ये पोशाक गाइस हमने बनाई है 4, 5, 6 नंबर के कान्हा जी के। बहुत ही अच्छे से आएगी ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हल्का सा नॉट लगा देंगे, जो कि हमने डोरी बनाई हुई है उसी से। ये देखिए इस तरीके से नॉट लगाकर अपने जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कहीं भी सेट कर देंगे। ये देखिए आगे की साइड सेट कर देंगे इस तरीके से, दोनों साइडों से। तो बहुत ही अच्छे से कान्हा जी की हमारी ये पोशाक आई है। आप देख सकते हैं पहनकर कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और धोती हमारी काफ़ी सुंदर लग रही है, आगे से भी पीछे से भी। आप ये नाइट सूट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं ड्रेस, ये देखिए। और ज़्यादा समर में कान्हा जी को पहना सकते हैं। और जब भी आपका मन हो कान्हा जी को धोती पहनाने का, तो इस तरीके की पोशाक आप कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो गाइस, इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पट्टियाँ कट करनी है, एक पाइपिंग के लिए और एक अपनी ड्रेस के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 2 कलर का फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की पट्टी ली है और यहाँ पर एक मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर 3 इंच के लगभग, 3.2 इंच है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो इसकी लंबाई है टोटल वो 25 इंच है, यानी कि 25 इंच है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लंबाई अपनी कट करनी है और चौड़ाई भी। और ये देखिए ये 1.5 इंच चौड़ी हमारे पास ग्रीन कलर की पट्टी है। तो इस तरीके से आपको एक पट्टी कट करनी है। लंबाई मैंने इसके भी ज़्यादा ही ली है, एक्स्ट्रा ही है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे फैब्रिक को, ये देखिए अच्छे से सेट करके। अब यहाँ पर रेशे निकल रहे थे, मैं उनको यहाँ से फिनिश कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपके फैब्रिक में भी कुछ भी रेशे या फिर धागे एक्स्ट्रा हैं तो उनको फिनिश कर लें। फिनिशिंग से ही हम कान्हा जी की अच्छे से पोशाक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद में ये देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। तो ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच पर। चाहे तो आप इस तरीके से पकड़ कर दोनों को एक साथ यहाँ पर हल्का सा कट लगा लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो। अब ये देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में गाइस क्या करेंगे, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें फोल्ड करना है, कहीं से भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें गोलाई देनी है कट से कट मिलाने तक। ये देखिए जहाँ तक हमारा कट है इस तरीके से हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। तो ये जो हमारी स्टेप बचेगी वो 1 इंच की बचेगी। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे, ये जो हमारा फैब्रिक है वो कट हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम पहले फैब्रिक में इधर साइड सिलाई लगाते हैं साइड में। अब ये देखिए गाइस, यहाँ से धागा कट कर देते हैं। अब चाहे तो आप पहले पूरी स्टेप में एक सीधी सिलाई लगा लें अगर आप बिगनर हैं। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से बनाना चाहते हैं जैसे कि मैं सिल रही हूँ, तो इस तरीके से भी सिल सकते हैं। ये देखिए हमने एक घूम डाला, अब दूसरा घूम भी इसी तरीके से डालेंगे। जितने भी आपके कट तक घूम आ जा रहे हैं आप डाल लें, कम से कम 3 या 4 तो आ ही जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से घूम आ गए। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अगर आप फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से घूम डालेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी गाइस बिल्कुल भी। अब ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर देंगे और सिंपल हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और पहनाइए। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी, कुछ इस तरीके से आया है ये हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम पाइपिंग के लिए जो हमने ग्रीन कलर की पट्टी कट की थी, जो भी आपके पास हो आप वो लगाइए। और ये देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, सीधी सिलाई लगानी है ये देखिए। और सिंपल हमने सीधी ही पट्टी ली है, ये नहीं है कि उरेब की पट्टी ली है।
सिंपल सीधी पट्टी से भी हमारी पाइपिंग काफ़ी अच्छी बनेगी। कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छे से सेट होकर एकदम आएगी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से हम सारे धागे फिनिश कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे सारे कट कर देंगे। कट करने के बाद में ये देखिए, इस तरीके से एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया। जितनी भी चौड़ी आपको पाइपिंग लगानी है आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से इतनी चौड़ी पाइपिंग बना रही हूँ और ये बिल्कुल किनारे पर हम साइड में पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे। कॉटन का फैब्रिक है, एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, हाथ से टैप करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो एक बार में ही अच्छे से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, हाथ से सेट किया, बहुत ही ईजिली आपकी पाइपिंग बन जाएगी। गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्रेया क्राफ्ट एंड क्रिएशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी अपनी स्ट्रिप में पाइपिंग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी पाइपिंग आ गई है। तो इस तरीके से हमारी पट्टी आई है, आगे से पीछे से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी पोशाक में। फिनिशिंग के साथ ही बनाएंगे जिससे कि हमारी ड्रेस काफ़ी सुंदर लगती है। गाइस, जल्दबाजी ना करें। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड किया, वही पट्टी का फैब्रिक है, सिंपल, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से रखेंगे हम। रखने के बाद में सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ तक हमारी घूम है ना वहाँ तक हमें सिलाई लगा के लेके आनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले हम इसको यहाँ से पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद जहाँ तक हमारी घूम है वहाँ तक पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और सिलकर लेके आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब अपनी दूसरी तरफ की साइड को भी इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे मिलाकर एकदम, और यहाँ से पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद हम बिल्कुल सीधी स्टिच यहाँ पर मिलाकर लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से लगाई, यहाँ से एक्स्ट्रा धागे फिनिशिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी ये ड्रेस बनेगी। अब इसको बांधने के लिए हमें चाहिएगी डोरी। तो डोरी के लिए मैंने फिर से ग्रीन पट्टी ले ली है। ग्रीन पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइडों से और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड किया और सिंपल सीधी स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, अब क्या करेंगे, हाफ पहले सिल लेंगे। सिलने के बाद में ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेट करके अपनी पोशाक के बीच सेंटर को रखेंगे और इसको हम आसानी से एकदम सिल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही इजीली है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत होगी, बहुत इजी है। ये देखिए, एकदम कितने अच्छे से हमारी पोशाक पूरी बन गई है झटपट से। तो इस तरीके की पोशाक आप गर्मी में कान्हा जी को बनाइए और पहनाइए, कितने अच्छे से बनी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो के स्टार्टिंग में ही कान्हा जी को मैंने आपको ये ड्रेस पहनाकर दिखा दी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको पोशाक कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।